आई बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2014 का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं। अ रॉकेट इज मूविंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मुझे दिख रहा है कि रॉकेट चल रहा है। अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, किधर की ओर चल रहा है? एक्स डायरेक्शन की ओर चल रहा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द चैम्बर इन साइड द रॉकेट इज 4 मीटर, कितना दिया है? चैम्बर दिया 4 मीटर का दिया। द बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द चैम्बर इन एक्स डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ 0.3। एक बॉल है जो 0.3 मीटर पर सेकेंड से चल रही है चैम्बर के अंदर, ठीक है, और इसकी जो 0.3 मीटर पर सेकेंड अगर वेलोसिटी देखें तो रिलेटेड टू द रॉकेट है। एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन इन एक्स डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम इट्स राइट, और दूसरी बॉल बी जो है वो भी थ्रो की जा रही 0.2 मीटर पर सेकेंड से, किधर? माइनस एक्स डायरेक्शन में। ये भी क्या है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट दी हुई है, फ्रॉम इट्स राइट एंड रिलेटेड टू द रॉकेट। हमको क्या निकालना है, आगे पढ़ता हूँ मैं। द टाइम इन सेकेंड When the two ball hit each, मतलब क्या निकालना है, एक तरीके से दोनों बॉल को टकराने में कितना समय लगेगा, मतलब एक तरीके से कोलिजन करने में कितना समय लगेगा। आई इसको मैं मिनिमम 2 मेथड्स इसको आपको बताऊंगा, 2 तरीकों से बताऊंगा कैसे ये सॉल्व होता है। एक तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक इनर्शियल मेथड से बताऊंगा, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से बताऊंगा। चलिए ठीक है, पहला मेथड इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं क्या। अगर कोई बंदा अगर बाहर खड़ा होगा, ठीक है, मैं देख रहा, ये बंदा देख रहा होगा इसको, तो उसको क्या दिख रहा होगा कि एक बॉल 0.3 मीटर पर सेकेंड से इधर फेंकी जा रही है और 0.2 से इधर फेंकी जा रही है, और जो पूरी रॉकेट है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या हो रही, चल रही है। तो जो सपोर्टिंग एक्सेलरेशन होगा वो तो एक्सेलरेशन ही कहलाएगा, और जो अपोजिंग होगा रिटार्डेशन कहलाएगा। तो मुझे दिख रहा है कि जो ए बॉल है, ठीक है, वो भी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, तो कहीं ना कहीं ये बॉल एक्सेलरेट होगी, और ठीक है 0.2 मीटर पर सेकेंड जो मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं इसमें डी एक्सेलरेशन लग रहा होगा, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि मैंने माना कि दोनों को, मतलब जैसे क्या है कि कोलिजन का क्वेश्चन आता है तो टाइम हमेशा सेम लगता है, ठीक है। मैंने ये माना कि ये बॉल मान लीजिए किसी डिस्टेंस को कवर कर रही है, S1 डिस्टेंस कवर कर रही है, मान लेता हूँ कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, S1 डिस्टेंस कवर कर रही है, और ये कितने कवर कर रही है, S2 डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। चलिए मैं लगाता हूँ, अब चलिए ये जो एक्सेलरेशन है इसके लिए तो एक्सेलरेशन होगा, ये एक्सेलरेट होगी, और इसके लिए देखें तो ये वेलोसिटी अपोजिंग डायरेक्शन, तो इसके लिए डी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे जो एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, -2 लेना पड़ेगा, और इसके लिए जो एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा वो 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है। हमने पहले ए बॉल के लिए लिखा, तो पहली बॉल के लिए डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा S=UT+ ½AT² होता है, मैंने लिख लिया। तो मेरा S1 कितना आ जाएगा, वेलोसिटी मेरी कितनी है 0.3, टाइम टी लग रहा है हाफ, एक्सेलरेशन मेरा कितना है 2, T² हो गया, ठीक है। अब देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, S2UT+ ½AT² होगा, ठीक है। अब चलता हूँ S2 लिखता हूँ, यू इसके लिए कितना है 0.2 है, टी हो गया, अब प्लस हाफ, यहाँ पे इसके लिए जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो अपोजिट, तो कहीं ना कहीं डी एक्सेलरेशन का मामला होगा। बॉडी तो इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रही है, और ये बॉल जो इधर इससे जा रही है 2 से जा रही है, तो कहीं ना कहीं अपोजिंग है, तो डी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो मैं 2 लूँगा वो क्या लूँगा, -2 लूँगा, ठीक है, ठीक है। अब चलिए S2=0.2 - और 2 से 2 अगर देखिए कट रहा है, इधर भी कट रहा है, इधर भी कट रहा है, तो कितना हो जाएगा T², और इधर कितना बचेगा 0.3 T + T². अब आपको ये दिख रहा होगा कि इस बॉल ने S1 डिस्टेंस कवर की कोलिजन के लिए और इस बॉल ने S2 डिस्टेंस कवर की, तो कहीं ना कहीं S1 और S2 का जो सम होगा वो एक तरीके से कितना होगा, 4 होगा, दिख रहा है S1 और S2 का सम कितना होगा, 4 होगा। S1 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 0.3 T है प्लस T², और जो S2 की वैल्यू आई है आपको दिख रहा होगा क्या, 0.2 T - T² दिख रहा है, और आगे कितना लिखा है 4, प्लस T² से -T² कैंसिल आउट, 0.3 इसको मैंने जोड़ दिया तो 0.5 T हो गया, और ये हो गया, और कहीं ना कहीं 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, = 4, और 2 इधर चला गया, तो आपकी जो टाइम की वैल्यू आई कितनी है, 8 सेकेंड आ गई, ठीक है, कितनी आ गई, 8 सेकेंड, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं सेकेंड मेथड से करूँगा, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से करूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, किसी बंदे को मैं अंदर बैठा देता हूँ, फिर से मैं ये डायग्राम बनाता हूँ। मैंने पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाहर से लिया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे से ले रहा हूँ अंदर से। तो इसका एक्सेलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का था। एक जो बॉल थी वो आपको दिख रही थी 0.2 से इधर आ रही थी, दूसरी बॉल जो दिख रही थी 0.3 से इधर आ रही थी। मैंने अब क्या किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया, तो अब मुझे क्या दिख रहा है,
मैं इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूँ, क्योंकि अब देखिए अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही, मैं भी अंदर हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, मैं भी 2 मीटर पर सेकेंड से ही चलूँगा, ठीक है। तो मुझे अंदर की जो चीज़ें रहेगी वो एक मतलब एक तरीके से क्या दिखेगी, जो एक्सेलरेट नहीं दिखेगी, क्योंकि ये भी उतने से एक्सेलरेट कर रहा है, मैं भी उतने से एक्सेलरेट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे क्या इसकी बॉडी एक्सेलरेट नहीं दिखेगी, ठीक है। अब चलता कहता तक इनकी वेलोसिटी मैं क्या निकालूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगी। ये वेलोसिटी बॉल ए है, वे कितनी है, बी है। मैं इनकी रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालूंगा तो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी क्या ए रिस्पेक्ट टू बी निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, 0.3 है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, 0.2 है, मगर ये क्या माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो जो मेरी वेलोसिटी होगी 0.2 हो जाएगी। कितना हो गई, 0.3 माइनस माइनस प्लस हो गया 0.2, कितना आ गया 0.5। तो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई। अब अगर ए जो है बी को देख रहा होगा तो उसको क्या दिख रहा होगा, या बी जो है ए को देख रहा होगा तो उसको क्या दिख रहा होगा, अगर बी ए को देख रहा होगा तो दिख रहा होगा कि हाँ जो ए है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड से क्या आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो किसी न किसी को एक मतलब एक किसी बॉडी को हम रेस्ट पे मानते हैं कि अगर ये बॉडी रेस्ट पे है, ये खड़े होकर कहीं देख रहा है, तो 0.3 जो है ये कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, 0.5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, और ट्रेवलिंग डिस्टेंस कितनी है, 4 की है, ठीक है। अब मुझे पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मेरी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, 0.5 आ गई, और उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, 4 की कवर की। अब मैं टाइम अगर निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 0.5, और 0.5 को कहीं ना कहीं 1/2 बोलते हैं, 2 ऊपर चला गया तो टाइम कितना हो गया, 8 सेकेंड, ठीक है। तो मेरा एक देखिए, अगर आप देखें तो रिलेटिव वेलोसिटी से मैंने कंसेप्ट को सॉल्व किया, इनर्शियल फ्रेम से किया, नॉन इनर्शियल फ्रेम से किया, देखिए दोनों फ्रेम से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला, ठीक है। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिए।